हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। और स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा कंटिन्यूअसली पिछले कुछ टाइम से चैप्टर चल रहा है, उसके ऊपर। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको अगर याद होगा तो हम लोग काफ़ी कुछ कवर अप कर चुके हैं। हम चैप्टर के लास्ट पार्ट की साइड है, जहाँ पर हम चैप्टर से आने वाले जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में, फिजिक्स जब हम स्टार्ट कर रहे थे वहाँ पर आपको एक बात ध्यान दिलाई थी, याद कराई थी कि जब जब आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, फिजिक्स आप जब पढ़ेंगे तो आप न्यूमेरिकल जरूर कीजिए, उसमें जो आंकिक उदाहरण होते हैं उनको जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप वो करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाएगा और आपको चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ पाएंगी। आप जो गलतियाँ कर रहे हों उनको आप एनालिसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इसीलिए मैं क्लास में भी न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। और आज भी हम जो पिछले हमने क्लास में गति के समीकरण देखे थे उनमें आधारित हमने एक न्यूमेरिकल कर लिया था, आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स में आपको होमवर्क भी दूंगा। तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, कुछ एक दो क्वेश्चंस में आपको आपकी एक्सरसाइज के करवाऊंगा और इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को हम एक समान वृत्तीय गति जो है उसका आपको थोड़ा सा आपको उसका उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखना है न। इसके बाद एक समान वृत्तीय गति को आप 11th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उस पर ध्यान दीजिए और चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स जरूर कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। आइए स्मार्ट बोर्ड पर। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, मतलब त्वरण क्या एक समान है, 5 सेकेंड में लिख लेते हैं। जो जो जानकारी हमें मिलते जाती है मैंने आपको बताया था कि लिखते रहेंगे। एक समान रूप से त्वरित है तो त्वरण क्या है, एक समान, ठीक है। एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। 5 सेकंड का समय दिया हुआ है हमें, 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना स्टार्ट करती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे पर पहुंच जाती है, ठीक है। याद करें, नंबर 1 त्वरण आपको फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। नंबर 2 आपको फाइंड आउट करना है उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। जो पिछला क्वेश्चन हमने करा था उसी के सिमिलर क्वेश्चन है। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर लेती है। हमें ज्ञात करना है त्वरण और वस्तु के द्वारा, कार के द्वारा इतने समय में तय की गई दूरी। तो जो जो चीज़ें हमने नोट डाउन करी हैं मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है, ये टाइम है 5 सेकंड का। ये यहाँ से चलना स्टार्ट करा है, मतलब ये प्रारंभिक वेग है और कहाँ पर कितना वेग तक पहुँचा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये गाड़ी, ये कार जो है पहुँच गई है। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर समय सेकेंड में है, यहाँ पर आवर में है, तो इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे ही यहाँ पर 36 को भी 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 × 36, 5 × 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा कैलकुलेशन पे आप कमांड कीजिएगा, यदि कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्लोली स्लोली कर सकते हैं, ठीक है। बट इजी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई वगैरह तो ध्यान से जरूर कीजिए, ठीक है। तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है, ए निकालना है, हमें टी दे रखा है, यू दे रखा है, वी दे रखा है। कौन सी समीकरण यूज करेंगे जिसमें चारों चीज़ें यूज होती हैं, तो गति की प्रथम समीकरण v = u + at। मैंने आपको समझाया है कि तीनों समीकरणों में से आप कौन सी समीकरण लगाएंगे, इसको इस प्रकार से चेक करें, ये तरीका है। तो गति की प्रथम समीकरण v = u + at से, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जिस पैटर्न पे किया था उसी पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। आप वो सारी चीज़ें जरूर मेंशन करें, जरूर लिखें। मान रखिए v का मान है हमारे पास 5, u का मान है हमारे पास, सॉरी v का मान था 10, u का मान है 5, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, t का मान है 5। तो ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 - 5, और इधर ये 5 और 1 ही गुणा हो जाएगी तो 5 ए बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से,
टेन माइनस फाइव होता है फाइव इज इक्वल टू फाइव ए। यहाँ से यदि मैं ए निकालूँ तो ये जो मल्टीप्लाई में फाइव है इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो फाइव अपॉन फाइव दैट मीन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मात्रक जरूर लिखना है, इसको हाईलाइट जरूर करना है, आंसर जरूर लिखना है। एक आंसर हमारा आ चुका है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पार्ट में, हमें एस निकालना है सेकेंड पार्ट। तो चलिए सेकेंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पर करते हैं। हमें एस फाइंड आउट करना है, हमें टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है क्वेश्चन, वी दिया हुआ है और अब हमें ए भी पता लग गया। तो आप दूसरी और तीसरी कोई भी समीकरण यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो मैं दूसरी समीकरण इस बार यूज कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में मैंने थर्ड समीकरण यूज करी थी। तो गति की दूसरी समीकरण से यहाँ पे गति की दूसरी समीकरण सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। गति की दूसरी समीकरण S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से करेंगे आप सॉल्व। यदि S इज इक्वल टू टू हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, T है 5 सेकेंड, 1/2, A है अभी भी A निकाला था हमने 1 और टी है 5 सेकंड, तो टी का स्क्वायर है तो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र में वैल्यू पुट करनी है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे और एक एक चीज को देख करके करना। एस इज इक्वल टू ये 5 पंजे हो गया 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2 भी है। एलसीएम लिया जाएगा अगर तो एलसीएम आएगा अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो इस 2 की गुणा इस 25 के साथ हो जाएगी और इस 25 के बटे में 2 है तो ये 25 अकेले आ जाएगा। ये वाला 25 ये है और ये वाला 25 ये है। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेना ये मैथमेटिकल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इन पर जरूर कमांड बनाइए, आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व होंगे। 25 दूनी 50 और यहाँ पर 25 बटे 2, 25 और 50 को जोड़ेंगे तो 75/2 और 75 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 37.5 37.5। ठीक है, तो हमारा कितनी दूरी तय करी है वस्तु ने, 37.5 5 सेकंड में इतनी दूरी तय कर ली। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये आंसर है। हम 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट में आप लिख सकते हैं आंसर अपना एक अच्छे तरीके से। अतः वस्तु के द्वारा सॉरी सबसे पहले आप लिखेंगे वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी 37.5 मीटर। आप जो करते हैं एग्जाम में उसको अच्छे तरीके से इंटरप्रेट जरूर करके आइए, मतलब उसको अच्छे तरीके से दर्शा के जरूर आइए लिख करके। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से सारे प्रोसेस अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके नंबर नहीं कट पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन में रीड करता हूँ। क्वेश्चन है कि किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। थोड़ा समझना स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, मतलब इस टाइप की बातों को हम समझ चुके हैं पहले, लेकिन न्यूमेरिकल में हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जो हमने पहले सीखा है उसी के आधार पर करेंगे। चलिए लिखते हैं, किसी कार पर ब्रेक लगा रहे हैं, हम ब्रेक लगा रहे हैं और ब्रेक लगाने की एक कंडीशन मैंने आपको बताई है पहले भी, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लेकिन गति के विपरीत दिशा में, मतलब गाड़ी अगर आगे को जा रही है तो ये त्वरण जो है पीछे की दिशा में उत्पन्न होगा। इसका रोल है, मैं भी बताऊंगा क्या रोल है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दूरी। अच्छा, रुक जाती है इसके बाद, कार रुक जाती है, ये 2 सेकंड के बाद कार ब्रेक लगाए और कार रुक गई, रुक गई मतलब फिर से वही विरामावस्था वाली बात, वेग 0 लेकिन अभी चली नहीं है, अभी रुक कर चली नहीं है, अभी चलकर रुक गई है, तो ये अंतिम वेग जो v होगा वो 0 होगा। यहाँ पर u कब 0 होता है, जब विरामावस्था से वस्तु चलती है, v कब 0 होगा, जब ब्रेक लगाने के बाद वस्तु रुक जाएगी। इन बातों को आप अपने दिमाग में रखिए, ये आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा लेकिन हमने अभी अपना दिमाग लगाया और
तब जा करके ये चीज नोट डाउन करिए, ठीक है। उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें, हमें सिर्फ दूरी निकालनी है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लेते हैं। अच्छा, ये त्वरण दे रखा है, गति के विपरीत दिशा में से मतलब होता है कि हमने एक देखा था ऋणात्मक, तो त्वरण ऋणात्मक कब आ रहा था, जब गति के विपरीत दिशा में चल रहा था, मतलब प्रोसेस स्लो डाउन हो रही थी, वेग कम हो रहा था, वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक थी, तो गति के विपरीत दिशा में त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये टाइम हो गया 2 सेकेंड और वेलोसिटी हमें पता लग गया 0 है, क्योंकि कार रुक रही है और हमको निकालनी है दूरी। तो एस निकालना है, ए दे रखा है, वी दे रखा है, टी दे रखा है। कौन सा सूत्र ऐसा है जिसमें सारी चीजें आती हूँ? पहला सूत्र है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ तो एस नहीं आ रहा। दूसरा सूत्र है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ एस आ रहा है, यहाँ यू आ रहा है, लेकिन हमारे पास यू दे नहीं रखा है। थर्ड देखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, यहाँ एस आ रहा है लेकिन यहाँ भी यू आ रहा है। अब हम कौन सी समीकरण यूज करें, आप किसी क्वेश्चन में इस स्टेज पर आकर के अटक जाओगे। तो इस स्टेज में हमें यू की जरूरत पड़ रही है एस निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू निकालेंगे। तो यू निकालने के लिए हम गति की पहली समीकरण का यूज करते हैं, वी बराबर यू प्लस ए टी से। मान रखिए पी हो गया 0, यू हमको निकालना है, ए का मान दे रखा है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी दे रखा है 2 सेकेंड। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यू 6 × 2 = 12 हो जाएगा और ये माइनस भी आएगा आगे से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यू -12 = 0। जब ये -12 बराबर के उस तरफ जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा यू इज इक्वल टू है 12 मीटर पर सेकेंड। मुझे प्रारंभिक वेग जो है गाड़ी का वो पता लग गया है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एस निकालने के लिए मैं कोई सभी समीकरण यूज कर सकता हूँ, तो मैं दूसरी समीकरण यूज कर रहा हूँ एस इज इक्वल टू यू टी, आप तीसरी समीकरण भी यूज कर सकते हैं प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए रखते हैं मान, u कितना है 12, t कितना है 2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -6, ठीक है, और उसके बाद t कितना है हमारे पास 2 और स्क्वायर। ये अगर आप -6 नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस -6 की एक रोल है, इसको आपको ध्यान रखना है, प्लस तो 1/2, ये -6 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में है क्योंकि सारी चीज़ें, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ये 6 और 4 की गुणा होगी तो 24 आएगा, बटे में 2 है, ये माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस आएगा, ये 24 से कट जाएगा 12 टाइम्स, तो 24 - 12 एस बराबर आ जाएगा 12 मीटर, 24 में से 12 गए 12 मीटर। तो ये हमारा आंसर आया है कि वस्तु जो है, जो भी कार है, ब्रेक लगने के 12 मीटर बाद रुक जाएगी, मतलब ब्रेक लगने के बाद भी वस्तु 12 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ये बात समझ में आ गई। अभी हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ आपने इसमें कुछ नई चीज सीखी होगी, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। मैंने बोला था क्वेश्चन में अगर विरामावस्था आएगा तो उसे छोड़ना नहीं है, इसे नोट डाउन करना है। विरामावस्था मतलब होता है u इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 होता है, तथा 2 मिनट तक कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, मतलब एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 मिनट क्या है, ये समय है। परिकलन कीजिए, हमको क्या निकालना है, a प्राप्त की गई चाल मतलब वेलोसिटी और सेकेंड हमको निकालनी है तय की गई दूरी, ठीक है, ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी, मतलब आपको v निकालना है जो जितनी चाल उसको तय प्राप्त करी है उसने, और हमको दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी उसने तय करी है। तो हमारे पास अगर कुछ कन्वर्ट करना है, जी करना है, ये मिनट में है, ये सेकंड में है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 2 × 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सीधे 60 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 120 सेकंड। हमारे पास हमें v निकालना है, u है, t है, a है, कौन सी समीकरण लग रही है, फर्स्ट वाली, लिख लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से।
v इज इक्वल टू क्यू प्लस ए टी से b हमें फाइंड आउट करना है, u हमें दिया हुआ है 0, a हमें 0.1 दिया हुआ है और t हमें दिया हुआ है 120। तो v इज इक्वल टू 0.1 इंटू 120, क्योंकि 0 को प्लस करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 120 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 120 आएगा, लेकिन जब 0.1 है तो 12.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ये चीज़ें जो आपको जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, कन्वर्जन करनी और सूत्र कौन सा लगाना। ठीक है, ये दो तीन चीज़ों पे आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, बाकी ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये सबका करने का तरीका अपना अलग अलग होता है। यदि ये चीज़ें ठीक करेंगे, कैलकुलेशन ठीक करेंगे, तो आंसर हमेशा ठीक रहेगा, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं रहेगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, आज हम क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा कर पाएँ उतना आपके लिए बढ़िया होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको आज इस टॉपिक के ऊपर करवा पाऊँ। फिर से क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब चाल है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो ये स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग चाल इतने से ही चल रही है, मतलब प्रारंभिक वेग इसका ये है। ब्रेक लगाए जाने पर, फिर से ब्रेक लग गए स्टूडेंट्स, ब्रेक लग गए हैं, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसने अपने आप ही माइनस दे दिया, यदि यहाँ पे माइनस नहीं दिया रहता तो हमको खुद से माइनस लगाना होता। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है रेलगाड़ी द्वारा विराम, इसके बाद क्या हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, रुक जाएगी मतलब क्या बताया था, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ब्रेक लगाने के बाद जब रुक जाती है। हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी विरामा अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन इजी है स्टूडेंट्स, यदि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाते हैं गाड़ी में तो उसमें इतना त्वरण उत्पन्न होता है और त्वरण उत्पन्न होने के बाद वो रुक जाती है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि ब्रेक लगाने के तुरंत बाद गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक लगाने के थोड़ी देर बाद थोड़ी आगे तक तो गाड़ी चलेगी, हमको वही दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी तक ये गाड़ी चली। तो सिंपली यदि देखा जाए तो ऐसा हमें निकालना है, यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कौन सा सूत्र है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, तो ये गति की तीसरी समीकरण है। तो यहाँ पर गति की तीसरी समीकरण लगेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वैल्यूज यदि पुट अप करें, वी की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर, यू की वैल्यू अच्छा एक मिनट, हमने इसमें फिर से देखिए गलती आप यहाँ पर कर देंगे कि हमने कन्वर्जन नहीं करा, तो कन्वर्जन कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर है, इसको नीचे मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 5/18 से आपको ये बात बता रखी है, 18×5=90। ठीक है, और 5×5=25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो v तो हो गया 0 का स्क्वायर, u हो गया, इसको कंटिन्यू करते हैं, 0 का स्क्वायर, U हो गया कितना 25 का स्क्वायर, और 2 A कितना आया 0.5 माइनस का 0.5। ठीक है, और S कितना है, S हमें निकालना है, वैल्यूज पुट अप कीजिए बड़े आराम से, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 और 25 की गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 625। ठीक है, यहाँ माइनस का 0.5 और 2 की गुणा करेंगे तो 1.0 आएगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, इसकी और इसकी गुणा करी मैंने, माइनस भी एस के आगे, ये ध्यान रखेंगे, इंटू एस है, ये एस जो है थोड़ा 5 की तरह दिख रहा है, बट मैंने आपको बोला है ये स्मॉल एस है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा, -625, यहाँ पर कितना बचा, -1 इंटू एस, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गुणा में है, इधर आके इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा -1, तो इससे कट गया, एक से जो 625 आप काटेंगे तो 625 ही आएगा, यानी 625 मीटर। इसलिए रेलगाड़ी द्वारा रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले 625 मीटर तक चलेगी, फिर रुकेगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम और इसमें आपकी बुक में और भी क्वेश्चन हैं,
आप उनको कीजिएगा। अभी समय है तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए आपके आपके एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये पत्थर है, इसको मैंने ऊपर फेंका, वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड। यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दृष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ ही आता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मतलब त्वरण कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा, मतलब पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी, यही तो होगी ऊंचाई, मतलब यहां से पत्थर यहां पहुंचा है तो ये ऊंचाई होगी, मतलब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। बात समझ रहे हो, क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा घुमा दिया गया है। अगर इस पत्थर को ऐसे फेंकते तो हमको दूरी तो निकालनी होती, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझेंगे क्वेश्चन को, और हमको क्या निकालना है, वहां पहुंचने में कितना समय लगा, हमको टाइम भी निकालना है। आप एक चीज ध्यान देंगे कि पत्थर जब ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर पत्थर रुक जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा, जहां पर पत्थर रुकेगा वहां पर v = 0 होगा, ये बात भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो s निकालने के लिए आपको v 0 लेना है, बात समझ में आई, क्यों 0 लेना है, क्योंकि पत्थर वहां पर रुक जाएगा, हमको t भी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स माइनस होगा इस केस में, क्योंकि नीचे आते टाइम तो ये 10 हो रहा है ना, ऊपर जाते टाइम तो ये माइनस होगा, क्योंकि ऊपर जाते टाइम बॉल धीरे धीरे स्लो होगी, ब्रेक लगने वाली कहानी है ना, तो ब्रेक लग रहे हैं धीरे 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 धीरे, स्पीड कम फिर वापस धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, तो जहां पर स्पीड कम वहां पर ब्रेक लगने वाली कहानी हम यूज करेंगे, और ब्रेक लगने में त्वरण हम माइनस में लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमको s निकालना है, सीधे सीधे कौन सी समीकरण लग रही है, गति की तीसरी समीकरण v² - u² = 2as, v कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है 5 मीटर पर सेकंड 5 का स्क्वायर, 2 a कितना है -10, और s हमको निकालना है। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -25, यहाँ आ जाएगा -20s, s को जब निकालेंगे तो ये आएगा -25/-20, ठीक है, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 5 4 20 5 5 25, तो s = आएगा रफली आपका 4 1 4 और 4 2 8, 1.25 मीटर के अराउंड समथिंग, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट के बाद आप चेक कर लीजिएगा, आई थिंक इतना आना चाहिए, ठीक है। और t निकालना है, तो t निकालने के लिए आप पहली समीकरण यूज़ कर सकते हैं, v = u + at, तो यहाँ से v रखेंगे आप 0, u रखेंगे 5, a कितना है -10 × t, और उसके बाद ये हो जाएगा, आप इसको 5 को इधर लेके आएंगे, -5 - 10 × t, और t = हो जाएगा -5/-10, और ये जाएगा 1/2, दैट मीन्स कि 0.5, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ करके उनको अपनी लैंग्वेज में समझ करके और उसके बाद उनको कन्वर्ट करके उसमें से ज़रूरी जानकारी निकाल करके उसको सॉल्व कीजिएगा, और आप डेफिनेटली सही, अगर सही अप्रोच के साथ करेंगे, सही फॉर्मूला लगाएंगे, सही कैलकुलेशन करेंगे, सही जानकारी नोट करेंगे, तो आपका आंसर आ पाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।